नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ जनवरी माह का 2024 का ये पहला साल का ये पहला महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। मेष राशि वालों के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, अपन क्या करें, साल की पहली शुरुआत में ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आपके लिए उपस्थित होना पड़ा, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, पर आगे ऐसे वीडियोस आपके लिए लेट नहीं होंगे। तो जानते हैं मेष राशि वालों के लिए साल 2024 का ये जनवरी माह कैसा जाने वाला है, क्या उतार चढ़ाव होंगे, क्या नई परेशानी आने वाली है। देखिए, इस समय बुध देव आपके छठे स्थान पर विराजमान है, इसलिए साल की शुरुआत यानी जनवरी माह का पहला हफ्ता ही आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। इस समय पेट संबंधी परेशानियां हो सकती है क्योंकि बुध देव अष्टम स्थान पर विराजमान है। वायु विकार हो सकता है, गैसेस ट्रबल हो सकता है, खान पीन का ध्यान रखना है, बाहर के खाने से आपको बचना है, माइंड बहुत ज्यादा शार्प रहने वाला है, दिमाग बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ेगा, क्रिएटिव आइडियाज आपको आ सकते हैं। वहीं पर गुरुजनों के लिए, टीचरों के लिए ये पूरा माह बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाला है। फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो ये ठीक ठीक रहने वाला है, ज्यादा बेटर भी नहीं है, ज्यादा बुरा भी नहीं है, आय के नए स्रोत बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे। वहीं पर आप देखेंगे जरूरी काम के लिए आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ सकता है और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बॉस इस समय आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके काम में तरह से सपोर्ट करेंगे, आपका प्रमोशन का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नई अचीवमेंट अवश्य रूप से कर पाएंगे। वहीं पर देखिएगा महीने के अंत में आपके 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख को थोड़ा सा आलस करेंगे, वहीं पर लेजीनेस आप फील करेंगे और आपको फाइनेंशियल कंडीशन वहां पर थोड़ी सी आपकी बिगड़ सकती है। और वहीं पर आपके 11वें स्थान पर शनिदेव विराजमान है, इसलिए आपको किसी को भी कर्ज देने से आपको बचना होगा, दोस्त यार रिश्तेदारों को कर्ज देने से आपको बचना होगा। अगर वो पैसे मांगते हैं तो आप दीजिएगा मत, क्योंकि इस समय पैसा दिया हुआ वापस जल्दी नहीं आने वाला। देखिए, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके नए संबंध जुड़ने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है, इस समय पार्टनर के साथ समय व्यतीत करेंगे। वहीं पर विवाह संबंधित बातें अवश्य रूप से हो सकती है। आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तीनों ही चारों ही महीने आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाले हैं। हस्बैंड के साथ समय व्यतीत करेंगे और आप देखेंगे वैवाहिक जीवन की बातें हो सकती है, आपका संबंध तय हो सकता है। जिन लोगों के विवाह के संबंध जुड़ने की चल रहा है तो वो संबंध अवश्य रूप से आपका जुड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं पर आप देखेंगे कि आपको पैसे के लेकर थोड़ी सी इस महीने थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको देखने को प्राप्त हो सकती है। आपके छठे स्थान पर केतुदेव विराजमान है, इसलिए कोई अगर लंबे समय से बीमारी चल रही है तो वो समाप्त होगी, वो डिटेक्ट होगी। और वहीं पर देखेंगे कि स्किन रिलेटेड या इन्फेक्शन वगैरह या कुछ भी इस तरीके से अगर आपको परेशानी हो रही है तो उससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये महीने में ये परेशानी आपको देखने को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि केतु इस समय आपके छठे स्थान पर विराजमान है, इसलिए आपको स्किन रिलेटेड और इन्फेक्शन वगैरह आपके हो सकते हैं। 12वें स्थान पर इस समय राहुदेव विराजमान रहने वाले हैं, इसलिए आप देखेंगे कि थोड़ा सा आपका खर्च नियंत्रण में आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि खर्च आपको अंधा बिल्कुल कंफ्यूज बना देगा, आपको कहाँ खर्च करना है, किस प्रकार से खर्च करना है। पहले तो आपको लगेगा कि भैया बिल्कुल पैसा बचा के रखना है, रोक के रखना है, पर ऐसा अनावश्यक खर्च लेकर आएगा, एकदम से खर्च आएगा कि आप खर्च कर बैठेंगे, पैसा बचा नहीं पाएंगे। वहीं पर आप देखेंगे विदेश जाने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने वीजा के लिए अप्लाई किया तो मोहर लग सकती है, करियर के मुकाबले ये बहुत अच्छा उत्तम समय रहने वाला है, सफलता मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, आपकी ग्रोथ हर प्रकार से दिख रही है, पर आपको पैसा देने से, कर्ज देने से थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता है। दोस्त यार मित्रों का इस समय थोड़ा सा आप उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, क्योंकि बाद की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातों पर आपकी उनसे लड़ाई हो सकती है, पर आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाला है। इस समय प्रमोशन के, नौकरी के, अगर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे, वहीं बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, कोई नए व्यापार की शुरुआत आप इस समय कर सकते हैं। पर इस महीने आपके जो पैसे को लेकर दिए है वो ज्यादा अच्छी नहीं स्थिति मान सकते हैं, आप फरवरी के महीने में पैसे की स्थिति अवश्य रूप से बहुत ज्यादा अनुकूल होने वाली है। और आप उपाय के रूप में गुड़ का दान कर सकते हैं, सूर्यदेव को अर्घ चढ़ा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, ये चीजें आप कर सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे टीचरों का, गुरुजनों का मान सम्मान अवश्य रूप से इस महीने में बढ़ने वाला है, कहीं जगह आपको बुलावा आ सकता है जहां पर आपका मान सम्मान अवश्य रूप से हो, बहुत ज्यादा सामाजिक कार्यों में इस समय आप थोड़ा सा ध्यान भी दे सकते हैं। तो ये रहा मेष राशि वालों के लिए साल 2024 का पहला महीना किस प्रकार से जाने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महा